भले ही देश और दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा हो, बावजूद इसके चीन में आज भी महिलाओं की स्थिति बेहद बदतर है। ये कोई और नहीं बल्कि निर्वासित तिब्बत की केंद्रीय तिब्बत महिला एसोसिएशन की अध्यक्षा डोलमा यांगचिन ने कही। उन्होंने कहा कि आज चीन समेत चीन के कब्जे में रह रहे तिब्बतियों की नंस और वहां की महिलाओं के साथ बेहद दुखपूर्ण अभद्र व्यवहार होता है, जो कतई सहने के काबिल नहीं है। जो भी नंस चीन की जेलों में कैद हैं, उनके साथ लगातार दुष्कर्म किया जाता है, जो बेहद असहनीय है। आज उनकी ओर से भले ही धर्मशाला के मैक्लोडगंज में खुली हवा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का महिला दिवस मनाया जा रहा हो, मगर चीन में इस वक्त महिलाओं के साथ क्या कुछ हो रहा है, वे सोचकर ही सहरन पैदा हो जाती है। उन्होंने कहा कि चीन में आज भी महिलाएं घुट घुट कर जीती हैं। वहीं उन्होंने आज के खास मौके पर चीन को चेतावनी देते हुए कहा कि वो उन्हें कम न समझे और एक दिन जरूर आएगा जब वो आजाद होंगी और महिलाएं अपने राष्ट्र में जाकर खुली हवा में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाएंगी। मेरा नाम डोलमा यांगचिन है, द प्रेसिडेंट ऑफ टिबेटन वुमेन्स एसोसिएशन सेंट्रल। और ये वुमेन्स डे तो बहुत इम्पोर्टेंट सोचता है, क्योंकि ये वुमेन्स इंटरनेशनल वुमेन्स डे तो एक हजार थाउजेंड हंड्रेड ईयर्स के पहले शुरू हुआ और यूरोप में। और वो तो क्यों क्यों ये शुरू किया, क्योंकि वुमेन्स लोग को ज़्यादा क्या प्रॉब्लम होता है घर में और ऑफिस में कहाँ कहाँ भी, इसलिए वुमेन्स लोग ने ज्वाइन करके ये प्रोटेस्ट शुरू किया। और चाइनीज का बात करेगा तो वो बहुत मुश्किल है, वो चाइनीज का ये वुमेन्स ये डिस्क्रिमिनेशन ज़्यादा है और फैमिली प्लानिंग, फोर्स फैमिली प्लानिंग है वो टिबेटन वुमेन के ऊपर। अच्छा, और काम भी एम्प्लॉयमेंट भी टिबेटन वुमेन्स को अच्छा देता नहीं। और फिर कम कुछ कम मिलेगा तो वो सैलरी बहुत कम देता है, इसलिए चाइनीज का अंदर वो प्रिजन में हमारा टिबेटन वुमेन और नंस है ना, वो बहुत टॉर्चर करता है, उसके ऊपर रेप ज़्यादा हो जाता है और किसी को बोलने का ये अपॉर्चुनिटी मिलता नहीं है। और ज़्यादा लोग प्रिजन से आने का टाइम मर जाता है हॉस्पिटल में, इसलिए टिबेटन वुमेन और टिबेट हमारे देश है ना, टिबेट अंडर चाइनीज का बहुत सफरिंग ज़्यादा है। सभी लोगों को मालूम होना है, कुछ करना है, वो सोचता है। ये दिन में हम लोग को ये हमारा टिबेटन वुमेन वहाँ टिबेट में अंडर चाइनीज का कंट्रोल में, वो लोग के लिए ज़रूर प्रे करता है। वो लोग को मैसेज तो ये होगा, अभी तक वो 62 ईयर्स हो गया वो चाइनीज ने टिबेट क्या इन्वेट करके, एंड अभी चाइनीज का कंट्रोल में है, फिर भी टिबेटन्स लोग सभी टिबेटन्स उस चाइनीज को गिव अप करता नहीं है, फाइट करता है। और टिबेटन वुमेन्स भी बहुत क्या बोलता है ब्रेव है, और कहाँ कहाँ वो अपॉर्चुनिटी मिलता है चाइनीज का प्रोटेस्ट करता है, और इवन वो जेल में भी क्या बोलता है प्रोटेस्ट करता। हाँ, जेल में ज़्यादा कर हमारा नंस टिबेटन नंस और मोनेस्ट्री सब भी बंद करके जेल में डाल दिया ना। जेल में क्या क्या होता है आपको मालूम है, खाली टॉर्चर नहीं है, वुमेन्स को रेप करता है। जब माइनर कितना माइनर वहाँ रहता है, उसके बाद तो वो वापस मोनेस्ट्री में जाने का अपॉर्चुनिटी भी मिलता नहीं है, ऐसा है।